एक वस्तु सुख देने वाली है, वो कौन सी वस्तु? जो लौकिक है, पार्थिक है, पार्थिव है, भौतिकी है, इतना सा ही अंतर है। सुख वो वस्तु देती है जो भौतिक वस्तु है, और भौतिक वस्तु का एक धर्म होता है, वो नश्वर होती है, वो क्षण भंगुर होती है, मिटने वाली होती है। जब कभी आपको सुखानुभव होगा, जब कभी आपको सुखानुभूति हो, इसका अर्थ ही है कि कोई लौकिकीय भौतिकीय पदार्थ है जो आपको सुख दे रहा है। और सुख का अनुभव तब होता है जब इंद्रियां भी सहकार करें, इंद्रियां भी उसमें सम्मिलित हों। तो मन, इंद्रियां और बुद्धि मिलकर जब सम्मिलित होते हैं, तब कहीं से सुख बटोर कर लाते हैं। और आनंद का फर्क निराला है जब मन, बुद्धि और इंद्रियां चुप हो जाएं और फिर कोई एक अनुभव हो आपको, उसका नाम आनंद है। इसलिए आनंद का अनुभव मन के द्वारा कभी नहीं होगा। जब आनंद की अनुभूति होगी, उसमें मन का कोई सहयोग नहीं है, बुद्धि का कोई सहयोग नहीं है। मन बुद्धि का विषय है ही नहीं आनंद। आनंद तो अलौकिक वस्तु है। मन के गलियारे से तो सुख आता है, बुद्धि तो सुख का अनुभव करती है। मन, बुद्धि और इंद्रियां तो सुख बटोरने के माध्यम हैं, और ये बेचारे सुख ही ला पाते हैं। कौन सा सुख? जो कुछ देर के बाद छिन जाता है, जो कुछ देर के बाद मिट जाता है। इनको बड़ा सुख इकट्ठा करने की आदत नहीं है।